सो इधर अपनी थाई स्टार्ट हो गई, कॉल स्टार्ट। तो भाई पेट्रोल है, कहीं तो दिक्कत नहीं है। पेट एक में मन नहीं भरेगा भाई, एक और लाना पड़ेगा। बढ़िया लग रहा है देख के। बस कहाँ है भाई, कुछ तो आ गया, दो दो खा लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया, बढ़िया। अब दोपहर तक की लंच की छुट्टी, चलो हम निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। दो दिन का है, हो जाए भगवान बस। बर्फ है भाई, ये देखो। और मैंने पहन लिया भाई, सो नहा के हो गए रेडी। नहा के मतलब -2 के टेम्परेचर में हमने नहाए, हम हिम्मत चाहिए जो हमें है भाई, आज है कल शायद ना हो, क्योंकि यहाँ तो नहा लिए, आगे पता नहीं नहा नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि भाई विक्की ने नहा लिया था, विक्की ने नहा लिया था, तो भाई मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई, चल नहा ही लेते हैं। मैं नहा ही लेते हैं, मतलब मैं नहा नहीं रहा था, मेरे अंदर नहीं था कि मैं नहाऊंगा, बट गर्म पानी देखा हुआ, विक्की ने नहा लिया, मजा आया, तो अब मैं भी नहा के भाई अच्छा लग रहा है, थोड़ा शरीर खुला खुला लग रहा है। अब जा रहे हैं भाई, रेडी है बैग सब, अपने रेडी हो चुके हैं, अभी अपने थार के पास जा रहे हैं, थार का कॉल स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। बाकी वैसा तो बिल्कुल क्लियर हो गया आज का, मैं बताया था प्रेडिक्शन नहीं है स्नोफॉल की, तो आज तो नहीं होगी, अब कल से शायद स्टार्ट है। तो एनीवेज हम तो आगे जा रहे हैं, आगे तो हमें मिलनी है, ठीक है। अब यहाँ से भाई चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर जाना है, और देखते हैं यहाँ से यू टर्न कैसे लेंगे, रात को ले तो आए सीधा करके, अब यू टर्न भी मारना है यहाँ से, और वो कैसे लेंगे वो देखते हैं, चलो। सो इधर अपनी थार स्टार्ट हो गई, कॉल स्टार्ट। तो भाई पेट्रोल है, कहीं तो दिक्कत नहीं है। A few moments later. बाकी अभी यहाँ से चैलेंज ये है कि भाई यहाँ से यू टर्न लेना है इतने से जगह में बस, और था रेडी सौ को पता ही कैसा कटिंग का, तो इतनी सी जगह में हमें लेना है यू टर्न, और देन उसके बाद चढ़ना है, वहाँ से चढ़ के वो ऊपर जाना है हमें, फिर वहाँ से निकलेंगे हम श्रीनगर के लिए। बाकी इधर तो जगह बिल्कुल ही नहीं है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे रेडी लेते हैं यू टर्न, ठीक है, ये चैलेंज है। ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा दोस्तों, देखो जगह बहुत कम है गाड़ी घुमाने के लिए, मगर भाई पूरी कोशिश कर रहा है बर्फ में। A few moments later. Le, chotu. Chotu le. तो दोस्तों अब निकले हैं अपने दोस्तों अभी हम निकले हैं श्रीनगर के लिए, और अभी मैप पे हम देख रहे हैं 170 किलोमीटर फोर आवर्स 40 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे 4 मिनट बजेगा भाई, अराउंड टाइम दिखा रहा है, तो इसका मतलब भाई हमें चलना पड़ेगा, रुक रुक के जाएंगे ना तो हम भी पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी पटनी टॉप से हम निकल रहे हैं कहाँ, श्रीनगर के लिए। बाकी स्नोफॉल देख लो,
आगे आपको और अच्छी तरीके दिखाएंगे। बाकी कोई अगर जगह अच्छी मिलती है खुली जगह तो वहाँ पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट व्रिफ्ट मारते हैं, ट्राई करते हैं हम भी, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे आपसे। तो भाई पहले एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना तो उसके अभी टेंशन रहेगी कहाँ रुके कहाँ ना रुके। तो यहाँ रुके हैं भाई, अभी हम चेन्नई टनल से थोड़ा सा आगे आके ही यहाँ रुके हैं हम, और यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं आगे। A few moments later. वाह क्या बढ़िया सुबह सुबह का नाश्ता, आलू प्याज के परौठे साथ में राजमा और प्याज और चटनी, मजा आ गया भाई ऐसे व्यू के साथ, और हमने खरीद थार। चलो अब फटाफट से अपना नाश्ता फ्रीज करते हैं, मुझे लग रहा है एक में पेट एक में मन नहीं भरेगा भाई, एक और लाना पड़ेगा, बढ़िया लग रहा है देख के। बस आए भाई कर दे तो आगे आ जा। तो ब्रेकफास्ट हो गया डन, कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया, मजा आ गया सच्ची कह रहे हैं, मतलब बट रहा हमारा यहाँ पर खाना राजा वैष्णो ढाबा इंटरनेशनल बाहर निकल के श्रीनगर के हाई की तरफ, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट यहाँ राजमा पराठे और साथ में अनारदाने की चटनी, मजा आ गया। एक मंगाया था एक और खाने का मन करा तो दो खा लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया, बढ़िया। अब दोपहर तक की लंच की छुट्टी, चलो हम निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। तो अभी हम बनिहाल से आगे टनल है, तो इस टनल से हम जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो देखते हैं उस साइड का नज़ारा कैसा होता है। इस साइड तो बर्फ है स्नो है, बट थोड़ी थोड़ी साइडों में है रोड पे, अब आगे जाके देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती टनल। ओ माय गॉड 50 की लिमिट है, पर हमारी थोड़ी लिमिट ज़्यादा हो गई, इसको कम कर लें क्या? कम कर लेते हैं। बाकी थोड़ा सा अभी यार पूरी ना वो बारिश और थोड़ी कीचड़ चली वजह से पूरी विंडशील खराब हो गई, गंदी हो गई है, इसको कहीं रुक के अब साफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल गंदी हो रही है यार। ओके कितनी लंबी टनल है पता नहीं यार, बाहर लिखा हुआ था मैंने देखा नहीं, नोट नहीं किया। अब बाहर निकलेंगे फिर देखेंगे, देखो ओवरटेक यहाँ पर भी ओवरटेक भाई, देखो कितना बढ़िया बढ़िया साफ साफ लिखा हुआ है क्रॉस नो ओवरटेकिंग, बट कुछ है ना समझदार हमारे हिंदुस्तान में वो ओवरटेकिंग के मास्टर हैं। ये देखो ये देखो ये भाई साहब, वो भाई साहब बहुत ही जल्दी इनको आग बुझानी है आगे जाके। तो दोस्तों बस टनल फिनिश होने वाली है, अब देखते हैं कि टनल क्रॉस करने के बाद नज़ारा बदलता है कि वैसा ही रहता है जैसा अटल टनल क्रॉस करने के बाद नज़ारा चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ का भी चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज है दोस्तों। वल्लाही वल्लाह वल्लाही वल्लाह वल्लाही वल्लाह वल्लाही वल्लाह वाह 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 वाह। A few moments later. ये देखो यार हम कहाँ आ गए वादियों में यार, वल्लाही वल्लाह वल्लाह भाई ये भाई यहाँ थोड़ी देर रुकने देंगे, रुकते हैं देखते हैं, रुकने देते हैं नहीं देते भाई। यहाँ देखो सुनो यहाँ है सुनो असली, तो यहाँ है असली सुनो, देखो दोनों साइड टनल क्रॉस करते ही भाई नज़ारा चेंज हो गए दोस्तों। ये लो दोस्तों बाहर आ गया गाड़ी से, तो ये लो दोस्तों थार से बाहर आ गया, ये थार अपनी खड़ी, और यहाँ देखो सुनो ओहो क्या नज़ारा चेंज हो गया भाई टनल क्रॉस करते ही, है ना, क्या मस्त लग रहा है यार, क्या मस्त लग रहा है। चलो यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक करते हैं, रील बनाते हैं, जो आपको देखने को कहाँ मिलेगी इंस्टाग्राम हैंडल पे बॉन्ग राइडर अमित, सेम नेम से चैनल है यूट्यूब पे और सेम नेम से ही इंस्टाग्राम पे हैंडल है, प्लीज़ यार फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया, क्योंकि आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी। ले ले थोड़ी सी और ले ये ले घुस गया अंदर अंदर घुस गई भाई, मजा आ गया मजा आ गया, देखो अपनी थार पे सुनो देखो सुनो देखो मजा आ गया, क्या बजा बर्फ 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 चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ओ ये बस सोच रहा हूँ कि वहां जाके ना वही रील बनाते हैं। चलो भाई पर बहुत डीप है, अभी गया था विक्की गया था यहाँ पर, देखो कितना डीप है यहाँ पर भी, कम से कम एक एक फीट की बर्फ है यहाँ पे। भाई बहुत बर्फ है यहाँ पे, तो बहुत बर्फ है।
वो भाई गंदा घुस गया, अंदर घुस गया यार। हाँ बस भाई हमने 5-10 किलो बर्फ रख ली अपने थार पे, और किसी को चाहिए तो भाई कांटेक्ट कर लेना मुझसे, मैं ले आऊंगा। ये देखो 5-10 किलो तो ले लिए, ठीक है अब चलो चलते हैं आगे। अब उंगली सारी सुन हो गई है, बहुत एंजॉय कर लिया हमने। A few moments later. So दोस्तों पहलगाम ओनली 14 किलोमीटर दूर और 25 मिनट्स लगेंगे, और दोनों साइड स्नोफॉल सुनो स्टार्ट मिलना शुरू हो गई है, तो दोनों साइड स्नो मिलना शुरू हो गई है, देखो बढ़िया। बट यार हमें चाहिए फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नोफॉल हो रही है उसमें हम अपनी थार को ड्राइव कर रहे हो, ऐसी स्नो चाहिए। कब होगी भगवान, कब होगी बताओ, हम वेट कर रहे हैं आपके बोलने का, आपके जवाब का। बाकी इधर देखो रिवर, इधर स्नोफॉल, स्नोफॉल कह रहा हूँ यार, स्नो स्नोफॉल नहीं है ये, स्नो है। बाकी थोड़ी पुरानी हो गई है, 2 दिन पहले गिरी है, ठीक है। बाकी देखते हैं, कल की प्रेडिक्शन है कि कल स्नोफॉल होगी, कल और परसों, 2 दिन का है, हो जाए भगवान बस। सो हम पहुंच गए पहलगाम, पहलगाम सेल्फी पॉइंट कुछ आया था यार ये अभी पहलगाम से थोड़ा पहले, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और इधर अपनी खड़ी है थार बीस्ट, ओ माई गॉड कितनी स्नो है, दिखाऊं कितनी, ये देखो, ए ओ ओ, ओ देखो कम से कम 3-3 फीट बर्फ है भाई, ये देखो। और मैंने पहन लिया भाई सुनो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, नो बूट, ठीक है, क्योंकि भाई अब सुनो में जाना है तो बूट तो मैंने पड़ेंगे कि प्रॉब्लम ना हो जाए पैरों में, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पैर में फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर आया था और जिसमें रॉड है, तो रॉड में विंटर में प्रॉब्लम होती होती है, इसलिए सुनो बूट भाई निकाल ही लिए हैं, क्योंकि लेके आए तो पहनने तो है ही, वाटर प्रूफ है, बाकी नॉन स्लीपरी भी है भाई, स्लीपरी भी नहीं हो रहे, अच्छी क्वालिटी है, किसी कैथलॉन से लिए थे। चलो एक काम करते हैं, यहाँ ड्रोन उड़ाते हैं, बढ़िया भी आएगा। ओहो ऊपर देखो क्या अल्टीमेट लग रहा है यार, क्या अल्टीमेट लग रहा है, पूरा वाइट चारों तरफ वाइट, इधर कम है इस साइड ज़्यादा है, देखो इस साइड कम है इस साइड कितनी वाइट है, पूरे सुनो सुनो मेरा हाथ आ रहा है फोकस, देखो। चलो अब ड्रोन निकालते हैं, ड्रोन फ्लाई करते हैं।